एंड वेलकम टू मनी टॉक्स। दिस इज योर होस्ट राबिया शहजाद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए और गुज़िश्ता रोज़ 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट बड़े फ़ख्रिया अंदाज में आवाम के सामने पेश की गई, मगर इन 3 सालों के दौरान इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही, इस हवाले से बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है सीनियर इकोनॉमिस्ट शकील अनवर कमाल साहब को। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले जो है वो कुछ पॉजिटिव बातें कर लेते हैं, हुकूमत की अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक मैदान में सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं इस वक्त देख रही हूँ ये है कि मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में तेज़ी से इजाफा हुआ, कहाँ 16 अरब डॉलर और अब 27 अरब डॉलर। तो आप क्या इसको अचीवमेंट मानते हैं? यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 27 अरब डॉलर से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं। लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इसकी रीज़न क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने होम रेमिटेंस की मद में बहुत खातिर खा रकम पाकिस्तान में भेजी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लास्ट 2 ईयर से 1.5 ईयर से ज़्यादा जो कोविड सिचुएशन दुनिया भर में है उसकी वजह से पाकिस्तानी जो बैरूनी मुल्क हैं दुनिया में ट्रैवलिंग बंद हो गई है। तो ज़्यादातर लोगों ने जो उनकी सेविंग्स थी, उनकी जो एक्सपेंडिचर हो रहे थे ट्रैवलिंग के हवाले से, वो सेव हुए और ज़्यादातर लोगों ने पाकिस्तान में पैसा भेजा। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जो कि डिजिटलाइज करने के लिए पेमेंट सॉल्यूशंस लेकर के आई, और रोशन डिजिटल पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पैसा भी भेजा। ना सिर्फ ये कि होम रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ बल्कि पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में, और पाकिस्तान ने जो बॉन्ड्स इशू किए जो अच्छे लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर इशू किए दुनिया भर में, तो उसमें भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी आई जिसकी वजह से आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्ट्रेंथन हुए। और जो लास्ट वजह है, यकीनन अभी रिसेंटली ही IMF की एक ट्रेंच आई है जिसकी वजह से पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमने काफ़ी बेहतरी देखी है। अच्छा सर, डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर 110 रुपये पे था जब हुकूमत आई और अब 165 रुपये तक पहुंच गया। इसने मईशत की कारकर्दगी को कितना मुतासिर किया? देखिए, ये माशी मैदानों में जो एक बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या है। आज आपकी करेंसी की वैल्यू काफ़ी अंडर वैल्यू हो गई है, डी वैल्यू हो गई है, और 166 रुपये का आज के दिन एक डॉलर के अगेंस्ट पाक रुपी है, तो विच इज़ अ सिग्निफिकेंट साइन जो कि आपकी माशी हालात की मतलब कि एक अक्कासी कर रही है, माशी हालात की अक्कासी कर रही है। आपकी रुपए की कदर में जिस तेज़ी से कमी हुई है वो आपकी माशी हालात की अक्कासी कर रही है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान को इम्पोर्ट्स के हवाले से जो पेमेंट्स करनी है, इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है उसकी वजह से आपका आपके रुपए की कदर कम होती जा रही है। और सबसे जो अहम वजह यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसे फ्री फ्लोट भी किया है और अब वो उस पर इंटरवेंशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन है उसकी वजह से भी डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। सही। अच्छा सर, इन 3 सालों में हमने देखा कि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हुकूमत के लिए, 5% से लेके अब हमने 10% तक भी महंगाई की शरह को जाते हुए देखा है, तो ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों रहा आपके ख्याल में? देखिए, हुकूमत जहाँ पर अपने बहुत सारे कारकर्दगी को सराह रही है और उसके डंके बजा रही है, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट है जो इस पर काफ़ी खातिर खा कमी हुई है, जो कि दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, अब आ गई है गवर्नमेंट इस वक्त, लेकिन इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट्स में साइजेबल इजाफा हुआ है, हमारी सीमेंट की सेल्स में इजाफा हुआ है, हमारी ऑटो की सेल्स में इजाफा हुआ है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है। ये सारी बातें पॉजिटिव हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि आपने बताया वो है
महंगाई का, और इन्फ्लेशन नंबर्स जो है इस वक्त कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। इम्पोर्टेड स्टफ तो महंगा हो ही रहा है, लेकिन जो बुनियादी अशियाए खुर्दनोश है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है, और वो भी कीमतें कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, जो कि हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसा कि आप जानती हैं कि माशी मैनेजर्स, हुकूमत के जितने भी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, यकीनन उनके लिए भी एक चैलेंज तो है, और उसको कोशिश भी कर रहे होंगे उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी हुकूमत की अपने इकोनॉमिक मैनेजर्स की मौजूद नहीं है। आप जानती हैं कि कितनी दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं इन 3 सालों के अंदर, कितनी दफ़ा एफबीआर के जो चेयरमैन हैं उनमें तब्दीली आई है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोगों में तब्दीली आई है, इन्वेस्टमेंट बोर्ड के लोगों में जो तब्दीलियाँ आई हैं, तो एक कंसिस्टेंसी का फुकदान नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से माशी माहरीन की जो टीम है हुकूमत की उसमें ही कोई हमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो यकीनन ये एक चैलेंज, महंगाई का चैलेंज को कैसे ओवरकम करेगी हुकूमत, ये हुकूमत के लिए बहुत अहम सवाल है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से, चूंकि आपने मौका दिया है, एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्राइस चेक को इफेक्टिव नहीं बना रही हैं। गवर्नमेंट की अपनी विजिलेंस कैसी है प्राइस कंट्रोल करने के लिए, जो लोग इसमें मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को, जो लोग इजाफा करते हैं, जो लोग होर्डिंग करते हैं या जखीराअंदोजी करते हैं और कीमतों में इजाफा करके बेचते हैं, उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और पिछले दिनों आपने इसी हुकूमत के दौरे, हुकूमत में 3 साल के अंदर हमने कई क्राइसिस भी देखे हैं जो कि महंगाई का मूजिब बने, जिसमें आपके शुगर का क्राइसिस हुआ, वीट का क्राइसिस हुआ, और अभी कुछ ही अरसे पहले आपने गैस का क्राइसिस भी देखा। तो यकीनन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर हुकूमत पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी तो हुकूमत के माशी जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। अच्छा सर, आपने इकोनॉमिक टीम का जिक्र किया और टीम में तब्दीलियां आईं, तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टीम में तब्दीलियों की वजह से भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मुतासर हुई है? डी स्टेबिलिटी नहीं है ना, हुकूमत अपने फैसलों में मुस्तनद नहीं हो पा रही है। आपके पास बेहतर टीम का चुनाव में मुश्किल है शायद आपके लिए, या आपकी ब्यूरोक्रेसी हर्डल कर रही है, या आपकी टीम के अंदर कोई फ्लॉज हैं, ये सवाल तो हमें हुक्मरानों से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, IMF और FATF के साथ भी गवर्नमेंट के ताल्लुकात कुछ स्मूथ नज़र नहीं आए हमें, काफ़ी नाहमवार ताल्लुकात रहे, कर्जों का बोझ बढ़ता रहा और इसका बोझ आवाम पे पड़ा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, तो जाहिर है हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि हम IMF के ऊपर काफ़ी इन्हिसार करते आ रहे हैं, और जब ये हुकूमत अपने इब्तदाई दिनों में जब आई थी तो उस वक्त ही ये हाँ और ना की सूरत हाल से गुजर रहे थे कि IMF से मुज़ाकरात करें, IMF के पास जाएँ, या IMF को मना कर दें। 6 महीने के बाद, अपनी हुकूमत के आने के बाद, इन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए, तो जाहिर है IMF भी थोड़ा सा हमारे से खिंचाव का शिकार है। अब आगे भी अगर आप देखें तो FATF एक बहुत बड़ी तलवार है, 3 दफ़ा इस हुकूमत के वक्त में FATF ने अपने आप को रिव्यू किया हमारे बारे में और हमें ग्रे लिस्ट में ही रखा। अब जाहिर है जब तक हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे नहीं तो हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं वो नर्म हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन FATF एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बन गया है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये बेजा दबाव भी तसव्वुर किया जा रहा है इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे इस वक्त ये पूछना चाहूँगी कि जो बाकी के 2 साल हुकूमत के पास रह गए हैं, इन 2 सालों में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कौन सी चीज़ों को फोकस करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले हुकूमत को अपने गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने माशी माहरीन की या अपनी जो भी उनकी हुकूमत की टीम है, कोर टीम है, उसके ऊपर भरोसा करें, या उसकी चुनाव में कुछ ख्याल रखें और ऐसे लोगों को लेकर के आएँ जो सिंसेयर हों, जो हुकूमत के साथ ही सिर्फ सिंसेरिटी उनकी ना हो बल्कि उनकी पाकिस्तान से और आवाम के साथ सिंसेरिटी हो, जिसकी बुनियाद पर वो ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए जो कि अवाम को रिलीफ दे सके। सबसे बड़ा चैलेंज यकीनन पहले भी आपसे जिक्र हुआ कि महंगाई का चैलेंज है, अगर आप महंगाई पे काबू नहीं कर सकेंगे तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। रोजगार फराहम करना, हुकूमत को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों, यह एक अच्छी बात है कि
बिजनेस के बारे में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्प्रूव हुआ है इस हुकूमत के अंदर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है और हुकूमत को इस बारे में बहुत सीरियस नोट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी जनरेट करने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी अपनी जनरेट करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कारोबारी और माशी सरगर्मियाँ जितनी बढ़ेंगी उतना ही आवाम को रिलीफ मिलने के चांसेस मिलेंगे। बिल्कुल, महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हुकूमत की कारकर्दगी के 3 साल आपके सामने, अगर आपको 10 में से रेट करना हो तो आप क्या रेट करेंगे? बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है और हम इस वक्त रेट करने की पोजीशन में तो नहीं है, हम सिर्फ दुआगो हैं कि हम चाहते हैं कि काश ये हुकूमत बेहतर कारकर्दगी का मजीद मुजाहरा करे और सिंसियर एफर्ट्स करें और इस मुल्क को बचाएं और इस मुल्क को टर्न अराउंड सिचुएशन में लेकर के आएं। यहाँ बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, यहाँ बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, उसको स्किल्ड करने की ज़रूरत है। यहाँ पाकिस्तान में बेहतरीन अनाज, फल, सब्जियाँ मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ज़मीनें सोना उगलती हैं, हमें उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे पास बेहतरीन मौसम है, हमारे यहाँ बरसात होती है, तेज़ धूप निकलती है, हमारे यहाँ पहाड़ हैं, दरियाँ हैं, खूबसूरत मुल्क है हमारा, हमें इसकी इज्जत भी करनी है और इस मुल्क को तरक्की की मेराज पे पहुँचाने के लिए मैं इस हुकूमत के लिए दुआगो हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।